श्री शिव दिगंबराय श्री शंकर जटाधराय आरती गाओ तुम्हारी हर हर नमः शिवाय भोले हर हर नमः शिवाय मैं पृथ्वी को खोदता हुआ पूजा कक्ष में निकल जाऊंगा और हनुमान को आभास तक नहीं हो पाएगा। भूजल अग्नि वायु ओम के तुम अध्याय पंच तत्व से आरती स्वीकारो देवाय भोले हर हर नमः शिवाय। उस वानर की आरती पूर्ण होने से पूर्व मैं उस राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा दूंगा। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हनुमान की पंचभूत आरती में कोई विघ्न न आए, हनुमान का मनोरथ सफल करे महादेव। सिद्धि विजय यश तुम से शक्ति के पर्याय आरती तुम्हारी करके बलवत हो कृष का भोले हर हर नमः शिवाय भोले हर हर नमः शिवाय भोले हर हर नमः शिवाय। हनुमान प्रणाम बाबा। तुम्हारी इस मधुर पंचभूत आरती से प्रसन्न हो गया हूँ मैं। तुम्हारा मनोरथ सफल करने के लिए मैं तुम्हें मही रावण की सुरक्षा कवच भेदने की शक्ति प्रदान करता हूँ मैं, जो अब तक उसके प्राणों की रक्षा कर रहा था। आपको शत शत नमन भोले बाबा। विजयी भव। अभी चढ़ाता हूं बलि इन दो मानवों की। जय माता महामाया, माता की जय हो। भले ही उस वानर ने अपनी पूजा पूर्ण कर ली हो, परंतु मुझे इस मही रावण को इन दोनों की बलि चढ़ाने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसे ये ज्ञात भी नहीं हो पाएगा कि मेरे प्राण मेरी इस देह में नहीं, बल्कि मेरे प्राण तो Ha 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 ha
बचा सकता, रोक नहीं सकता मुझे वो मरकाट। शीघ्र पूजा कक्ष में पहुंचना होगा मुझे। अवचेतन अवस्था में इनकी बलि नहीं दे सकता मैं, मुक्त हो जाइए दोनों नर मेरे मायावी बंधन से। अब शीघ्र इनकी चेतना लौटेगी और अपना संकल्प पूर्ण कर ब्रह्म पद प्राप्त करूंगा मैं। कहाँ हैं हम और यहाँ कैसे आए? महापाताल में हो तुम दोनों, मैं महान लंकेश का पुत्र मही रावण तुम दोनों को यहाँ लेकर आया हूँ माता महामाया के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए। इतना दुस्साहस! माता के समक्ष क्रोध प्रदर्शित करने की उदंडता मत करो, प्रस्तुत हो जाओ बलि के लिए। माता को प्रणाम करो और स्मरण करो अपने प्रियजनों का। स्मरण क्यों करो जब मेरा सर्वाधिक प्रियजन मेरे समक्ष खड़ा है? प्रणाम प्रभु। मरकट, प्रभु को यहां पे लाकर उन्हें कष्ट देने का महापाप का तुम्हें उचित दंड मिलेगा मही रावण। मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सकोगे तुम। जय श्री राम। ओम
वंदे वानर नरसिंहा खगरात क्रोधाश्ववक्त्रां चीतं नानालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं मृचाहस्ताक्षैरसिखेत पुस्तक सुधा कुंभाकुशाद्रिनहलम खटांगपहनी भूरुहौच दशभुजं सवारी गर्वापहम सवारी गर्वापहम। कितने भी बल का प्रयोग कर लो मरकट, ना मेरा वध कर पाओगे ना ही मुझे पीड़ा पहुंचा सकोगे। क्योंकि मैं रावण के प्राण उसकी देह में नहीं कहीं और सुरक्षित है, और जिसे तुम कभी ज्ञात भी नहीं कर पाओगे। नहीं, 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 नहीं। अपने पग से अमृत कमल को कुचलने वाला है ये, नहीं नहीं। अर्थात इसे ज्ञात है, परंतु कैसे? अपनी मायावी शक्ति से सुरक्षा चक्र स्थापित करूंगा मैं, जिसे कदापि नहीं भेद सकेगा ये। अंततः अपने दुष्कर्मों का दंड तुम्हें मिल ही गया महीरावण। दुर्दुभी, तो तुम ही हो जिसने इसे मेरा रहस्य बताकर द्रोह किया मुझसे। हनुमान, महीरावण का वध करने के लिए तुम्हें उस भ्रमर को भी नष्ट करना होगा जिसमें उसके प्राण सुरक्षित हैं। माता की प्रतिमा के समक्ष रखे हुए उस अमृत कमल पर स्थित भ्रमर और महीरावण पर एक साथ वार करने से ही उस दुष्ट राक्षस का अंत संभव है। बड़ी भूल हुई मुझसे, जो तुम्हारा मैंने वध नहीं किया। आ!
का शुभ संकेत है नाथ, कहीं हमारा पुत्र महीरावन भी। असंभव। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम लक्ष्मण भैया। हे माता महामाया, कृपया पुनः यहां आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रणाम माता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। माता, आप ही की कृपा से ये भक्त अपने प्रभु को मुक्त करा पाया। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान, तुमने उस पापी राक्षस का वध किया है, उसके पाप कृत्यों के लिए उसे वरदान देने से मुझे रक्षित किया। मेरे नाम से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ाने से रोकने का महापुण्य किया है। प्रणाम माता। प्रणाम माता, हमें आशीष दीजिए कि अब ऐसा कोई भी महाराक्षस हमें हमारे इस धर्म युद्ध में रोक ना सके, फिर वो रावण ही क्यों ना हो। सफल मनोरथ भाव। मुझे क्षमा करें प्रभु, आपकी रक्षा करने में अक्षम रहा मैं। महिरावण के छल से मैं भ्रमित हो गया, जिसके कारण वो दुष्ट आपको यहाँ पे लाने में सफल हो गया प्रभु। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं हनुमान, मही रावण से हमें मुक्त भी तो तुम्हें ने करवाया। जो नियत था वही हुआ, मही रावण का अंत तुम्हारे द्वारा ही होना था। देश पूर्ति के लिए उसकी बलि भी दे दी, इसीलिए मिलने गए थे अपने पुत्र से। सीता को पाने की इच्छा शने शने आपका सब कुछ मिटा रही है। आपके चहुं और विनाश की ज्वाला धधक रही है, अपना सर्वस्व उसमें भस्म करके उस पर स्त्री सीता को प्राप्त करना ही आपका परम उद्देश्य है क्या? पुनः अपना रोदन आरंभ मत कीजिए महारानी मंदोदरी, कुछ भी भस्म नहीं होगा। मैं दशानन रावण जीवित हूं, अभी महादेव ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे, सर्वशक्तिमान हूं मैं, मृत्यु भी मेरे वश में है, कोई मेरा वध नहीं कर सकता। अंततः विजय मेरी ही होगी। अपने कुल की क्षति का प्रतिशोध
मैं रावण एकाकी ही तुम सब से लूंगा। आ रहा हूं मैं वनवासी। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका पाप कर्म उसके विनाश का कारण बनता है।